प्यारे तुलबा अस्सलाम वालेकुम। कदीम भारत तहजीबी पिछले हिस्से में हमने समाजी ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल की थी। इस सबक में हम तालीम के मराकज़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कदीम भारत में तालीम के कई अहम और मशहूर मराकज़ थे। बैरून मुल्क के तुलबा भी यहाँ तालीम हासिल करने आते थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कदीम भारत के तिजारती रास्ते पर वाक़े एक अहम शहर तक्षशिला था। अब ये मुकाम पाकिस्तान में है। वहाँ आसार कदीमा के दस्तयाब होने वाले सबूत की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इसे 6वीं सदी कब्ल मसीह में बसाया गया होगा। गौतम बुद्ध के हम असर तबीब या वैद्य जीवक ने भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। 4वीं सदी कब्ल मसीह में तक्षशिला यूनिवर्सिटी की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। मौर्य हुकूमत के बानी चंद्रगुप्त मौर्य ने भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। माहिर फवाइद पानी और मशहूर तबीब या वैद्य चरक ने भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। सिकंदर के हमरा आने वाले यूनानी मोरलिन ने भी इस यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि पूरे यूनान में इस तरह की यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। चीनी बुद्ध भिक्खु पाहियान 400 ईस्वी में भारत आया था। वो भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी देखने गया था। इस यूनिवर्सिटी में वैदिक अदब, बुद्ध फलसफा, माशियात और मुंतिर जैसे मजामीन पढ़ाए जाते थे। वाराणसी वरना और असी गंगा की दो मौन नदियां हैं। इन दो नदियों के दरमियान बसने वाले शहर को वाराणसी कहते हैं। वाराणसी में जमाने कदीम से ही जैन मजहब और बुद्ध फलसफे की तालीम दी जाती थी। वल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र में वल्लभी नाम का एक पुराना शहर मौजूद था। 5वीं सदी से 8वीं सदी ईस्वी तक जैन और बुद्ध फलसफे की तालीम का अहम मरकज था। चीनी बुद्ध भिक्खु हेवान सांग और इत सिंह वल्लभी आए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी मौजूदा बिहार में पटना शहर के करीब इस यूनिवर्सिटी के बाकियात मिलते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने इस यूनिवर्सिटी को बड़ी फराग दिली से अतियात दिए थे। हेवान सांग और इत्सिंग के बयान के मुताबिक नालंदा यूनिवर्सिटी में हजारों तुलबा तालीम हासिल करते थे। वहां के कुतुब खाने में हजारों किताबें मौजूद थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल करने के लिए तुलबा को दाखिली दरवाजे के करीब इम्तिहान देना होता था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी मौजूदा बिहार के भागलपुर शहर के करीब थी। 8वीं सदी ईस्वी में राजा धर्मपाल ने इसकी बुनियाद रखी। वहां 6 वहार या खानखाहें थी। हर वहार का दाखिली दरवाजा अलग था। कांची पल्लू दौरे हुकूमत में मौजूदा तमिलनाडु के शहर कांची तालीम का एक अहम मरकज था। वहां वैदिक जैन और बुद्ध किताबों का मुताला और तदरीस की जाती थी।